हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर फैमिली और मैं हूँ इतिश्री। आज मैं एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है स्वीट कॉर्न नगेट्स। तो चलिए हम इस रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्वीट कॉर्न नगेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप और आधा कप यानी कि डेढ़ कप मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न ली है। इसको पहले हम गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल करेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम कॉर्न को बॉईल करेंगे। देखिए यहाँ पर स्वीट कॉर्न अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी हम उसको पानी से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए हम उसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में दो उबले हुए आलू को हाथ से ऐसे मैश कर रही हूँ और उसमें एक चम्मच के करीब मैं ग्रेटेड गाजर डाल रही हूँ और एक बड़ा प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, आधा चम्मच पेपर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच के करीब यहाँ पर चावल का आटा और एक चम्मच बेसन या ग्राम फ्लावर डाल रही हूँ। स्टार्टिंग में हम जब डेढ़ कप कॉर्न लिए थे उसमें से एक कप कॉर्न को मैंने ऐसे ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पेस्ट बना ली है और आधा कप जो कॉर्न हम ऐसे ही उसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब मैं यहाँ पर ओरिगानो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, और बस थोड़ा सा लेमन का जूस डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आधा कप मैंने ब्रेड क्रम्स को डालकर इसे हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कॉर्न और सारा मसाला सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम उसको हाथ से ऐसे शेप बनाएंगे। आपके अनुसार आप कुछ भी शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेंडर शेप बना रही हूँ। आपके पसंद के अनुसार आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। इसी तरह से हम सारे नगेट्स को बना लेंगे हाथ से। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कप ब्रेड क्रम्स ली है एक प्लेट में और एक प्लेट में एक चम्मच कॉर्नफ्लावर को डालकर उसमें चार चम्मच के करीब पानी डालकर हम अच्छे से एक बैटर, पतला बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक पतला बैटर तैयार हो गया है। अभी हम नगेट्स को इस कॉर्नफ्लावर के बैटर में हम ऐसे डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से कोट बना लेंगे। यहाँ पर हम दोनों हाथ का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। देखिए ये नगेट्स तैयार हो गया है फ्राई होने के लिए। अभी हम उसको प्लेट में साइड करके रख लेंगे और इसी तरह से हम और एक बनाएंगे। देखिए इसी तरह से सारे नगेट्स अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पहले हम ऑयल को गरम करेंगे और गरम ऑयल में हम एक एक करके नगेट्स को डाल के अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ
पर नगेट्स चारों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसी टाइम पर हम उसको प्लेट में निकाल लेंगे और गरम गरम हम प्लेट में उसको सर्व कर लेंगे। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गया है स्वीट कॉर्न नगेट्स। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, आप घर पर जरूर ट्राई करें एक बार। मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।